बच्चों तक पोषण व शिक्षा पहुंचाने के लिए मिलकर प्रयास करें। ब्रह्म नारायण श्रीवास्तव प्राथमिक विद्यालयों में संचालित स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम के अंतर्गत नोडल शिक्षा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का ब्लॉक स्तरीय हमारा आंगन हमारे बच्चे उत्सव कार्यक्रम नगर संसाधन केंद्र झांसी के परिसर में आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारम्भ माँ सरस्वती की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करते हुए खंड शिक्षा अधिकारी नगर क्षेत्र झांसी ब्रह्म नारायण श्रीवास्तव ने कहा कि पोषण व शिक्षा को नौनिहालों तक पहुंचाने के लिए मिलकर प्रयास करें। एआरपी बीनू चतुर्वेदी एवं पीयूष अग्रवाल ने कहा कि सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों को शिक्षा विभाग के साथ समन्वय बनाकर बच्चों तक पोषण व शिक्षा पहुंचानी चाहिए। हम धर्मेंद्र चौधरी धर्मेंद्र सिंह सर, आज क्या प्रोग्राम रखा गया है? जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में एक बदलाव हुआ है कि 3 से लेकर के और 6 वर्ष के बच्चे जो आंगनवाड़ी में थे उनको और प्री प्राइमरी शिक्षा से जोड़ते हुए और कक्षा 1-2 में जो विद्यालयों में बच्चे पढ़ते हैं ऐसे 3 से लेकर के 8 वर्ष के बच्चों के बीच में जो एक निपुण भारत अभियान का एक कार्यक्रम चल रहा है उस कार्यक्रम को लेकर के दोनों विभाग ICDS और शिक्षा विभाग का बेहतर समन्वय हो और उनके साथ में जो कोलोकेटेड आंगनवाड़ी हैं उनमें कार्यक्रम का संचालन अच्छे से हो, इसके लिए मेरा आंगन मेरे बच्चे यह ब्लॉक स्तरीय एक उत्सव का आयोजन यहाँ हो रहा है। इससे सर आज क्या संदेश देना चाहेंगे? आज इसके माध्यम से यही है कि दोनों विभाग अपनी अपनी भूमिका में काम कर रहे हैं और किस प्रकार से अपने जो 2025-26 तक अपने को निपुण भारत अभियान के तहत अपने विद्यालयों को अपने नगर क्षेत्र को निपुण बनाना है तो उसका काम आंगनवाड़ी के 3 वर्ष के बच्चे के साथ ही प्रारंभ हो जाता है जिसको हम प्री प्राइमरी शिक्षा में मान रहे हैं और कक्षा 3 पास करते करते वह जब बच्चा अपने विद्यालय से 4थी कक्षा में पहुंचे तो निपुण बन के पहुँचे। इस कार्यक्रमों को ठीक से चलाने हेतु दोनों को उनके कार्यक्रमों में जोड़ करके कैसे हम लोग परिश्रम से आगे बढ़ सकते हैं इस नाते यह कार्यक्रम है। आज लगभग कितने लोग इसमें उपस्थित हुए होंगे? इसमें सभी ऐसा को लोकेटेड अर्थात तो जिन विद्यालयों में आंगनवाड़ी सेंटर हैं उन विद्यालयों को बुलाया गया है और उन्हीं विद्यालयों के अतिरिक्त शेष विद्यालयों के शिक्षक शिक्षिकाओं को भी बुलाया गया है। प्रत्येक विद्यालय से एक शिक्षिका और ऐसी अपेक्षा है और आंगनवाड़ी को लोकेटेड ऐसा।